क्या आप जानते हैं हमारे मुंह में पानी तो क्या पूरा का पूरा झरना ला देने वाला शब्द जैसे समोसा, जलेबी और गुलाब जामुन, ये सभी शब्द हिंदी के नहीं हैं। दिल टूट गया ना यार। आज हिंदी दिवस है और आज के इस शुभ अवसर पर हम आपको बता रहे हैं खाने पीने के चीजों के कुछ ऐसे नाम जो हिंदी के नहीं हैं, और साथ ही हम जानेंगे हिंदी भाषा के 9 धमाकेदार फैक्ट्स। अरे भाई, ये वीडियो तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सत्य और वास्तविकता ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों में से एक। पहला जितना सहज, दूसरा उतना ही जटिल। क्या ये दुनिया वो 6 है जो हम देख पाते हैं, या वो 9 जो ये हमें दिखाना चाहती है? आप किसके साथ हैं, अपने 6 के साथ या वास्तविक 9 के साथ? जानिए सत्य और वास्तविकता को, ब्रह्मांड, समय और मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों को, और पूछिए क्यों। सत्यमेव जयते साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपका ज्ञान के इस अद्भुत भंडार में। गर्व से कहें हिंदी हैं हम। साथियों, आप मेरी वीडियोस को इतना प्यार तथा अपना बहुमूल्य समय देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज हिंदी दिवस के इस गौरवान्वित अवसर पर मैं आपके लिए लाया हूँ हिंदी भाषा के बारे में ऐसे 9 धमाकेदार फैक्ट्स, जिसे जानने के बाद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे और आपका अपने मातृभाषा पर गर्व और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। तथ्य नंबर 1, हिंदी को अपना नाम एक पर्शियन शब्द हिंदू से मिला है, जिसका मतलब है पवित्र नदी की भूमि। यानी यह भी कहा जाता है कि सिंधु नदी के पास जो सभ्यता फैली, उसे सिंधु सभ्यता, और उस क्षेत्र के लोगों को हिंदू कहा जाने लगा, जो कि सिंधु शब्द से ही बना है। तथ्य नंबर 2, 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। 1949 में जाकर संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। 1950 में हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला, जिसके बाद हर जगह हिंदी भाषा को फैलाने के बाद 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1954 में भारत सरकार ने हिंदी व्याकरण तैयार करने के लिए समिति का गठन किया। तथ्य नंबर 3, भारत के बाहर हिंदी बोलने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका में 6,48,983, मॉरिशियस में 6,85,170, अफ्रीका में 8,90,292, यमन में 2,37,760, युगांडा में 1,47,000, नेपाल में करीब 8 लाख, न्यूजीलैंड में 20,000, जर्मनी में 30,000 तथा 20 से ज्यादा देशों में हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तथ्य नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि 7 भाषाएं ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल वेब एड्रेस बनाने में किया जाता है? उनमें से एक हिंदी है। हिंदी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर साल इंटरनेट पर हिंदी कंटेंट की मांग 94% बढ़ रही है। तथ्य नंबर 5, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक हिंदी भाषा है। हिंदी का इस्तेमाल करीब 60 करोड़ लोग करते हैं।
तथ्य नंबर 6, दुनिया के 176 विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है, जिसमें से 45 विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं। इतना ही नहीं, विदेश में 25 से ज्यादा पत्र पत्रिकाएं रोज हिंदी में निकलती हैं। तथ्य नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि गुरु, जंगल, कर्मा, योगा, बंगला, चीता, लूट, ठग और अवतार जैसे अंग्रेजी में प्रचलित शब्द हिंदी भाषा से लिए गए हैं? और इनमें से कुछ पर तो बनी फिल्में भी आपने देखी ही होंगी। तथ्य नंबर 8, सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में हिंदी को शामिल कराने के लिए सालाना 250 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तथ्य नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि बिहार वो पहला राज्य है जिसने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया? साल 1881 तक बिहार की आधिकारिक भाषा उर्दू हुआ करती थी, जिसके स्थान पर हिंदी को अपनाया गया। साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा उस स्वादिष्ट भोजन के बारे में जो हम सभी खाते हैं, लेकिन जिनके नाम के शब्द हिंदी के नहीं हैं। पहला स्वादिष्ट भोजन, समोसा। भारत में समोसे को स्ट्रीट फूड कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है समोसे का इजाद ना भारत ने किया है और समोसा वर्ड भी हिंदी नहीं है, बल्कि पर्शियन शब्द है। बता दें, समोसा भारत में मध्य एशिया की पहाड़ियों से गुजरते हुए पहुंचा, जिस क्षेत्र को आज ईरान कहते हैं। इसका असली नाम सम्बुसक है। मध्य एशियाई देशों में इसे सोमसा कहा जाता है, अफ्रीकन देशों में इसे सम्बुसा कहा जाता है। दूसरा स्वादिष्ट भोजन, जलेबी। आप सभी को लगता होगा कि जलेबी शब्द भारत में ही बना है, लेकिन ये शब्द हिंदी का नहीं है। जलेबी मूल रूप से अरबी शब्द जलेबिया से बना है। पर्शियन में इसे जलेबिया नाम से जाना जाता है और भारत की तरह वहां भी ये उतना ही फेमस है और उतना ही स्वादिष्ट है। अरे भाई, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। तीसरा स्वादिष्ट भोजन, गुलाब जामुन। भारत में हर जगह गुलाब जामुन के शौकीन हैं। यही नहीं, गुलाब जामुन की तरह काला जामुन और सफेद जामुन भी लोग खूब खाते हैं। लेकिन बता दें, गुलाब जामुन शब्द हिंदी नहीं है, ये असल में पर्शियन नाम है। गुल का मतलब होता है फूल और जामुन का मतलब होता है पानी। चौथा स्वादिष्ट भोजन, अचार। माँ के हाथ का अचार शब्द भी हिंदी नहीं है, ये शब्द भी पर्शियन है, जिसका मतलब होता है नमक, सिरके और शहद में अच्छे से मिक्स करके रखे गए फल या सब्जियां। इसे अंग्रेजी में पिकल कहा जाता है। पांचवा स्वादिष्ट भोजन, अनानास। पाइनएप्पल। पाइनएप्पल को भारत में अनानास कहा जाता है, लेकिन ये शब्द भी हिंदी का नहीं है, ये साउथ अमेरिकन शब्द है। कई देशों में भी इसे अनानास कहा जाता है। अब मैं आपको अगले स्वादिष्ट पेय पदार्थ के बारे में बताना चाहूंगा जो हम सभी सुबह सुबह बड़े ही चाव से पीते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, ये है चाय। हर गली नुक्कड़ में मिलने वाली चाय शब्द भी हिंदी का नहीं है, ये शब्द चीन से लिया गया है। चीन की मैंडरिन और कैटनीज भाषा में इसे चा कहते हैं, इसका मतलब होता है चाय की पत्ती। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए, तथा जो भी आपके सुझाव हो या प्रश्न हो उनके लिए भी आप कमेंट जरूर करें। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे इसी तरह की मजेदार और टनाटन वीडियोस की सूचना आपको पहले मिल जाए।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी तक ये ज्ञानवर्धक तथ्य पहुंच सके। तो चलता हूँ साथियों, मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।